नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे गाडरवारा की, जहां 21 तारीख की रात हुए हत्याकांड के एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साथ ही बात होगी कानपुर नगर की, जहां कल्याणपुर में डीसीपी वेस्ट ने अतिक्रमण हटाने और यातायात दुरुस्त करने हेतु किया औचक निरीक्षण। और बताएंगे कि कैसे रोहतास में सासाराम कांग्रेस प्रत्याशी मनोज राम की आंख से छलकने लगे आंसू। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर गाडरवाड़ा से, जो 21 तारीख की रात हुए हत्याकांड के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में अपराधी ने हत्या के समय घटनास्थल पर होना भी कबूल किया है, जिसके बाद पुलिस अपराधी को घटनास्थल पर लेकर पहुंची और सारे घटनाक्रम का रिक्रिएशन किया गया, जिसमें अपराधी ने घटना के समय हुई हर एक पहलू को दोहराकर बताया और मुख्य आरोपी कौन कौन है और कैसे घटना को अंजाम दिया, ये सारी गतिविधियां दोहराई गई। बता दें कि 21 तारीख की मध्य रात्रि को 22 वर्षीय अभिषेक की हत्या कर दी गई थी। घटना स्थल का रिक्रिएशन कराया गया, रिकंस्ट्रक्शन कराया गया। आरोपी से ये पूछताछ की गई है कि घटना किस अनुक्रम में हुई, कौन कौन साथ में था, किस प्रकार का घटनाक्रम है, वही पूछताछ की जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। सर, इसमें अभी तक क्या आरोप गिरफ्तारी, कितने आरोप? एक आरोपी गिरफ्तारी हुई है, शेष अभी फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है। गाडरवाड़ा से सीनियर संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। खबर कानपुर नगर से, जहां पुलिस उपायुक्त पश्चिम विजय ढुल द्वारा थाना कल्याणपुर क्षेत्र के अंतर्गत बगिया क्रॉसिंग से कल्याणपुर क्रॉसिंग होते हुए पनकी रोड तक पैदल गश्त की गई। गश्त के दौरान वेंडर को सड़क से हटकर दुकान लगाने के लिए निर्देशित किया गया और मार्ग को अवरुद्ध कर सड़क किनारे खड़े ठेले और दुकानों के विरुद्ध धारा 34 पुलिस एक्ट में चालानी कार्यवाही की गई, जिसके अतिरिक्त डीसीपी वेस्ट विजय ढुल द्वारा सड़क किनारे अवैध तरीके से पार्क किए गए वाहनों के विरुद्ध चालान और सीजर की कार्यवाही करते हुए सर्व संबंधित को सड़कों और अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए निर्देशित किया गया। चेकिंग और निरीक्षण के दौरान बिना नंबर प्लेट की 3 मोटरसाइकिलों को सीज किया गया एवं सड़क किनारे मार्ग को अवरुद्ध कर गलत तरीके से पार्क किए गए 30 वाहनों के खिलाफ चालान किए गए। 35 व्यक्तियों के खिलाफ 34 पुलिस एक्ट में कार्यवाही की गई और कल्याणपुर कार्यवाहक थाना प्रभारी वीरपाल सिंह, चौकी प्रभारी इंद्रानगर विजय प्रकाश सिंह, चौकी प्रभारी पनकी रोड अवनीश पटेल को डीसीपी वेस्ट विजय ढुल द्वारा उनकी व्यक्तिगत पत्रावली में चेतावनी देते हुए भविष्य में सड़क को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए निर्देशित किया गया। कल्याणपुर में आप आ जाए हैं, यहाँ पर क्या चीज़ का निरीक्षण हुआ, जो कार्रवाई हुई है? आज मेरे द्वारा और एडिशनल डीसीपी वेस्ट के द्वारा थाना कल्याणपुर पुलिस के साथ बगिया क्रॉसिंग से लेकर और पनकी रोड चौकी तक पैदल गश्त किया गया और यहाँ पर जो वेंडर्स हैं उनसे वार्ता भी की गई और उनको इस बारे में ताकीद किया गया कि वो सड़क से हट के पर्याप्त जगह छोड़कर अपनी दुकान लगाएँ और सड़क पर अतिक्रमण ना करें। इसके अतिरिक्त कुछ व्यक्ति ऐसे मिले जो सड़क पर गलत तरीके से अपने वाहन पार्क किए हुए थे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। 3 मोटरसाइकिल ऐसी मिली हैं जिनके ऊपर नंबर नहीं था, तो उन मोटरसाइकिलों को सीज किया गया है और ऐसे बहुत सारे दुकानदार हैं जिनके सामान उन्होंने दुकान पे के बाहर सड़क तक फैला रखा था, तो उनके विरुद्ध 34 पुलिस एक्ट की कार्रवाई की गई है। कल्याणपुर में सबसे बड़ी एक सरदर्द है कि GT रोड पर एक मंडी लगती है सर, ये बगिया से लेके और IIT का मेट्रो, उससे यहाँ पर अक्सर जाम लगता है। ये जो सब्जी मंडी है ये काफ़ी सालों से यहाँ पे लगती आई है, इसके लिए नगर निगम के जो नगर आयुक्त हैं उनसे भी अनुरोध किया गया है कि इनके लिए एक वैकल्पिक स्थान चिन्हित करें ताकि इन लोगों को भी रोजी रोटी को दिक्कत ना हो और जो आसपास के जो लोग रिहायशी एरिया में जो लोग रहते हैं उनको भी सब्जी मुहैया हो और ट्रैफिक जो व्यवस्था है वो भी सुचारू रूप से चले। इन सभी फैक्टर्स के बीच में समन्वय बनाकर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्दी ही किया जाएगा। कानपुर नगर से सीनियर संवाददाता भारत की रिपोर्ट। खबर मऊ से, जहां जिले के सुल्तानीपुर बाजार और चकिया बाजार के बीच से भैसही नदी पुल के पास पुलिस थाने में सीमा यानी कि बॉर्डर का कोई बोर्ड लगा है, जिस पर लिखा है सीमा समाप्त, थाना चुरकिया कोट जनपद मऊ, जिसकी हालत यह है कि बोर्ड काफी समय से नीचे जमीन पर गिरा पड़ा है, जबकि इस रास्ते से पुलिस और उनके अधिकारी हमेशा आते जाते रहते हैं लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वहीं पुलिस चेकिंग भी करती है, ऐसे हालात में जरूरत पड़ने पर भला कैसे बिना बोर्ड के लोग समझेंगे कि किस थाने का बॉर्डर कहां तक है। मऊ से सीनियर संवाददाता शशिकांत सिन्हा की रिपोर्ट।
खबर संत कबीर नगर से, जहां क्षेत्र पंचायत साथा अंतर्गत हरैया बाबू के ग्राम प्रधान अरविंद्र कुमार सिंह सुबह लाव लश्कर व अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारत सरकार में गृह मंत्री अमित शाह की रैली में खलीलाबाद के लिए रवाना हुए। बता दें कि अरविंद कुमार सिंह विधानसभा क्षेत्र मेहदावल में, लोकसभा क्षेत्र खलीलाबाद से भाजपा प्रत्याशी प्रवीण कुमार निषाद के पक्ष में माहौल बनाने में रात दिन लगे हुए हैं। हम लोग खलीलाबाद जा रहे हैं, अमित शाह जी की रैली है और 400 पार मोदी सरकार। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार सिंह। कौन सा ग्राम सभा ये? कहाँ जा रही हैं आप लोग? खलीलाबाद। भाजपा की रैली में ये बताइए, भाजपा की रैली में जा रही हैं और 400 का पार नारा है, वोट किसको देंगी आप? मोदी सरकार। क्या नाम है आपका? दुर्गावती। कौन सा ग्राम सभा ये? रैली में। कहाँ, किसके रैली में? खलीलाबाद। ये बताइए, भाजपा का जो नारा है 400 पार, क्या आपकी पार हो पाएगा? हो जाएगा। क्या नाम है आपका? चंपा। हम लोग जा रहे हैं अमित शाह जी की रैली में। अमित शाह की रैली में, अच्छा। कितनी गाड़ियां लगभग जा रही होंगी यहाँ से? गाड़ियां कई हैं, 2-3 बस है, 10-15 अच्छा बोलेरो है। किसके सहयोग से जा रहा है? प्रधान जी भी साथ में है। कौन सा ग्राम सभा है ये? हरैया बाबू। संत कबीर नगर से सीनियर संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। खबर रोहतास से है, जहां सासाराम कांग्रेस प्रत्याशी मनोज राम की आंखों से आंसू छलकने लगे। सासाराम संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी मनोज राम की आंखों से आंसू छलकने के पीछे की वजह उन्होंने बीजेपी के रवैये को बताया और कहा कि बीजेपी के रवैये से तंग आकर ही उनके आंखों में आंसू आए हैं, लगातार उनको तंग किया जा रहा है। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।